दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ मेयो टेक्निकल पे। दोस्तों इस चैनल पर लोन और लोन हरेसमेंट के खिलाफ बराबर जानकारी अपडेट होती रहती हैं, वीडियो आते रहते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आज हम बात करते हैं हर तरह का लोन हरेसमेंट अब ख़त्म, और हम परेशान हो रहे हैं तो दोस्तों तभी ये परेशान करते हैं NBFC कंपनी और बैंक। इसके लिए दोस्तों हम सबको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, इनको पलट के जवाब देना सीखिए, तभी ये भागेंगे, क्योंकि ये आपको डराते हैं। आप भी इनको डराइए, अपने अधिकारों को जानिए, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके इन पे दबाव बनाइए, और जब आप दबाव बनाएंगे तो ये आपका हरेसमेंट करना छोड़ देंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे। अगर ये करते हैं कुछ हरकत, इनका रिकवरी एजेंट आप सबूत रखिए, आप जानकार बनिए, जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन बहुत पहले से चल रहा है। तो आप इनके कस्टमर हैं, आप ये ज़्यादा परेशान करते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं और वहाँ से भी कंप्लेंट कर सकते हैं इनके खिलाफ़। और बाकी जो भी सावधानियां हैं अपनी, इनके कॉल आती हैं जितनी, सब रिकॉर्ड कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग अपनी ज़रूर ऑन कीजिए, और तुरंत कोई भी अपशब्द या दबाव या ज़बरदस्ती करते हैं ये लोग, तुरंत आप जवाब दीजिए। कुछ मेल द्वारा भेजते हैं, तुरंत आप भी कंप्लेन इनको कंपनी को कीजिए और RBI को कंप्लेन ज़रूर करते रहिए। और रिपेमेंट जैसे ही रुकता है, कंपनी को, इन कंपनियों को मेल कर अपनी परिस्थिति के बारे में ज़रूर बता दीजिए। और अगर पैसा है आपके पास तो कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं कहूँगा, आप है तो जमा करके फुर्सत पाइए, जमा करते रहिए। अगर नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों के लिए सावधानी आपको रखना होगा। कंपनी को समय समय पर या बैंक को समय समय पर आपको मेल द्वारा लिखित तौर पर सूचित करते रहना है अपनी परिस्थिति के बारे में। केवल फ़ोन कॉल पे नहीं बताना है, क्योंकि फ़ोन पे बताना कोई सबूत नहीं है। आप कहीं भी नहीं कह सकते कि हाँ मैंने इनके रिकवरी एजेंट को या कॉल सेंटर से जो कॉल आई थी उनको बताया था अपनी स्थिति के बारे में, क्योंकि बाद में ये कोई नहीं मानेगा। इसलिए लिखित में देना बहुत ज़रूरी है। और कॉल आती है, ज़रा सा भी रिकवरी एजेंट इनका दबाव बनाता है तो आप रिकॉर्डिंग लेके तुरंत उसको रिकॉर्डिंग मेल कीजिए, इनको मेल करके तुरंत, क्योंकि इस तरह की थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी आपकी, जब आप पलट के इनका व्यवहार करेंगे, इनको इनकी हरकतों के बारे में बताएंगे कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों इन पर भी एक दबाव बनता है कि हाँ ग्राहक जो है हमारा कस्टमर है, बारोवर है, ये जानकार है, ये एक्टिव है, ये अपने अधिकारों को जानता है, तो वो भी आपके ऊपर दबाव कम कर देते हैं। जब आप दो तीन जगह, दो तीन रिकवरी एजेंट के ऊपर पलट के वार करेंगे, क्योंकि इनको पता रहता नहीं, कोई एक्शन लेता नहीं, कोई शिकायत करता नहीं, तो इनको लगता है कि कोई कुछ नहीं करेगा चाहे जय करो, क्योंकि बहुत से एजेंट कहते हैं अरे आज तक किसी ने शिकायत की ही नहीं हम लोग के खिलाफ कोई कुछ कर, जैसे होम विजिट की बात करते हैं कि हाँ हम घर आ रहा, घर आ, कोई मांगता ही नहीं इनसे आने, जैसे ही बोले कि हाँ मैं आ रहा हूँ बिल्कुल आइए, पर तीन चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, आप जो हो DRA किए हुए हों, DRA सर्टिफिकेट हो आपके पास, और लोन आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, और कंपनी की तरफ से होम विजिट का लेटर, होम ऑथराइजेशन लेटर भी कहते हैं उसको। ये दोस्तों होता है कि कंपनी इनको लिख के देती है कि हाँ आप फला ग्राहक के यहाँ आप जा रहे हैं, इतना इतना बकाया है, आप जा सकते हैं, कंपनी आपको परमिशन देती है, ये लिख के कंपनी उनको लेटर देती है। तो ये चीज़ें दोस्तों मांगनी पड़ेंगी, आप नहीं मांगोगे, अपने अधिकार नहीं जानोगे, तो इस तरह ये हरेसमेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों जब आप पलट के करना, वार करना शुरू करोगे, अपने अधिकारों की छड़ी इनको दिखाओगे ना,
तो ये भागते नजर आएंगे, आपका हरेसमेंट ये भूल जाएंगे, फिर प्रेम से आपसे बातें करेंगे। मैंने तो दो ही रिकवरी एजेंट पे किया वार, लेकिन अब क्योंकि वही ज़्यादा आते थे जो कि लोकल उनके ऑफिस थे, तो उन्हीं के एजेंट ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे, तो उनको वार जब किया तो वो खुद शांत हो गए। हाँ, कोई रिकवरी एजेंट नहीं बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि उससे पहले मिले एक दो, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, ना घर आने कुछ ऐसी बात की, ना प्रेशर डाला। हाँ, बस पैसे के लिए नॉर्मली कहा, और कहा कि हाँ कब तक हो जाएगा भैया या सर, तो उनको बता दो अपना। कुछ होते हैं जो सही भी होते हैं, उनको नहीं छेड़ना, उनके खिलाफ कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ जो ज़रा सा भी उठपटांग बातें कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए। आप पेमेंट कर भी रहे हैं उस महीने, मान्य कर भी दे रहे हैं, तब भी उनके खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं, कुछ प्रेशर बना रहे हैं, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट करिए। और पेमेंट, मैं तो कहता हूँ पेमेंट रोकिए, जा आपके पास रखा है फिर भी 4 दिन आप रोक लीजिए, ताकि हाँ ये आपके पास सबूत मिल जाए कि हाँ ये कंपनी किस तरह हरेसमेंट करती है, और फिर कंप्लेंट कीजिए। तो आपके लिए आगे के लिए, मान लिया इस महीने आपने कर दिया, किसी तरह हो गया, मैनेज हो गया, तो आगे अगले महीने फंस गए या उसके अगले महीने फंस जाएंगे, क्योंकि तो दिक्कतें जब आ रही हैं, आप डेप्थ में फंस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फंसेंगे जाके, चाहे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट देना हो या रिपेमेंट देना हो लोन का, पर्सनल लोन का, या कोई भी लोन हो, तो गड़बड़ जब स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी फंस जाओगे, तो उस समय हरेसमेंट हो आपका, उससे पहले ही इन पर आप दबाव बना लीजिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर कोई तरह का हरेसमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।